बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी भरकर और जमकर बोला हमला। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था और नीतीश ने मोदी का नाम न लेते हुए भी इतना कुछ कह दिया कि अब साफ हो गया है कि नीतीश को मोदी मंजूर नहीं है। नीतीश ने चुन चुन कर मोदी के तमाम दावों पर हमला बोला और कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। सत्ता में रहें या बाहर जाएं, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे उसूल हैं, कल किसने देखा है, हम लोगों को उसके लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, तय करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज देखकर ही लग रहा था कि आज सरकार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पार्टी का प्रस्ताव पेश कर रहे थे नीतीश कुमार। शुरुआत अपनी पार्टी की दशा और दिशा से की, लेकिन निशाने पर रहे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और तो और मोदी को देश चलाने की नसीहत भी दे डाली। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। विकास बिहार का भी हो रहा है, नाम नीतीश का भी है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि हवा बनाने से देश नहीं चलता है। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अकलमंद होते हैं। अपने भाषण में नीतीश ने मोदी का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही जो कुछ उन्हें कहना था उन्होंने मोदी के बारे में कह डाला। इशारा साफ है कि नीतीश मोदी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री के तौर पर तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी पर 2002 के गुजरात दंगे के दाग चस्पा है। इसी दाग ने उनकी छवि पर सांप्रदायिकता का आवरण लगा दिया है, जिसकी गूंज नीतीश के भाषण में भी सुनाई दी और साथ ही चेतावनी भी। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, नहीं करेंगे। सत्ता में रहें या बाहर जाएं, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे उसूल। अब मोदी दंगों का दाग नहीं धो पाए हैं या फिर नीतीश कुमार ने रंग बदल लिया है। जब एनडीए सरकार में साथ थे तो मोदी मंजूर थे, अब बिहार में सियासत जम गई है तो मोदी विलन नजर आने लगे हैं। लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये कि मोदी उनके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ऐसे में नीतीश की बात मानना उनके लिए आसान साबित नहीं होगा। अपने सबसे लोकप्रिय नेता पर निशाना लगता देख बिहार में पार्टी के सिपह सलार भी तिलमिला उठे हैं। अगर धर्म निरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, तो पूरी पार्टी सेकुलर है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। एनडीए के सहयोगी दलों के दो नेताओं के बीच आपसी खींचतान का मजाक कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन बीच का रास्ता लेकर नीतीश की बड़ाई और आलोचना के साथ। इसलिए और सब बातों में हम मोदी जी के बारे में जो नीतीश जी कहते हैं मैं सहमत हूं उससे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि अडवाणी जी कैसे धर्मनिरपेक्ष हो गए और नरेंद्र मोदी कैसे सेकुलर हो गए, ये समझाना चाहिए नीतीश जी को आगे बढ़ाने की रणनीति। बिहार के ही एक और नेता रामविलास पासवान ने भी नीतीश के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें ही विलेन बता दिया। संप्रदायिक बीजेपी 2002 की बात करते हैं, 2002 में नरेंद्र मोदी संप्रदायिक था तो इस सपा में दिए थे नीतीश कुमार, भारत सरकार में मंत्री बना करके जो है रसगुल्ला खा रहे थे। नीतीश ने तो तीर छोड़ दिया है, निशाना साधकर बाण मारा है, लेकिन देखना है कि इन हमलों का अब नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं।